हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम नया जो सीखने जा रहे हैं, नई मात्रा सीखने जा रहे हैं, आपकी पुस्तक स्वर तरंग बाय प्रेम रूप से क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं ओ की मात्रा। जी हाँ, हम जैसे बोलते हैं ना कुछ, दुख, गुण, सुन, तो इसमें कौन सी मात्रा लगती है? हम जल्दी से बोले ना सुन, सुन तो नहीं बोला, तो इसमें लगती है ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा कौन सा है ये देखो छोटा, इसकी मात्रा की पहचान क्या है? इसकी मात्रा की पहचान है ये ऐसे नीचे की तरफ होता है और इसको बोलते हैं ओ की मात्रा। जैसे कि का, का में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, छोटा ऊ है तो इसको तो क्या बन जाएगा? कु। चा में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, क्या बन जाएगा? छु। टा में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, क्या बन जाएगा? टू। ता में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, क्या बन जाएगा? तू। तो ये कैसी इसकी पहचान है? ये मात्रा, ये जो होती है ये ऊ की मात्रा होती है। और इसका उच्चारण जो होता है बहुत जल्दी से बोल देते हैं। जैसे पा, पा में छोटी ऊ की मात्रा पु, और फिर ये ला, तो क्या बन जाएगा? पुल, पुल। पा में पा और शा, शा में छोटी ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा? शु, पशु, पशु। गा में छोटे ऊ की मात्रा गु, लाभ, तो क्या बन जाएगा? गुलाब। ग में आपने देखा मैं जैसे बोल रही हूँ ग, तो मैं कितनी जल्दी बोल रही हूँ, मैं ऐसे तो नहीं बोल रही ना, गुलाब। कैसे बोलते हैं? गुलाब, यानी ग बहुत जल्दी से बोल दिया, गुलाब। मा में छोटे ऊ की मात्रा मु, का में छोटे ऊ की मात्रा कु, मु, कु, ट, क्या बन गया? मुकुट। झुन, झा में ऊ की मात्रा झु, ना, झुन, फिर झा में छोटी की मात्रा, फिर ना, और ना में आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? झुन, झुना, झुन, झुना। बा, बा में फिर छोटी ऊ की मात्रा बु, ल, बु, ल, बुल, 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 बुल। एक बार दोहराते हैं, पुल, पशु, गुलाब, मुकुट, झुनझुना, और फिर ये बुलबुल। और अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा हम अभ्यास करते हैं छोटे ऊ की मात्रा का। सा में छोटे ऊ की मात्रा हो गया, क्या बन गया? सुख, सुख, मुख, सुन, बुन, मधु और लघु। मधु क्यों बोला? क्योंकि धा में छोटे ऊ की मात्रा थी मधु, और लघु में भी घ में छोटे ऊ की मात्रा, तो ये बहुत जल्दी बोला जाता है। कौन सी मात्रा है ये? छोटे ऊ की। ऊ, कटु, रघु, तनु, मनु, तुला, खुला। बुखार, लुहार, फुहार, जुराब, भुजिया, लुटिया, लुटिया, दुकान, जुकाम, सुनार, पुलाव, हलवा, बुआ। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं छोटी ऊ की मात्रा की का अभ्यास। मैं आपसे बार बार ये बोलूँगी कि आप जब भी पढ़ेंगे, जितनी बार इसका अभ्यास करेंगे, हमेशा बोल बोल के करेंगे, धीरे धीरे नहीं कि ऐसे खुला लुटिया, ऐसे नहीं, जोर से बोलेंगे खुला लुटिया भुजिया, ठीक है? जितना आप जोर से स्वरों का उच्चारण करेंगे उतना ही आप सही बोलेंगे। अब हम दूसरा करते हैं, दुकान, जुकाम, सुनार, पुलाव, हलुआ, बुआ, बुल बुल, कुम कुम, गुम सुम, चुन मुन, फुलवारी, चुप चा, चुप चाप। चा मैंने जल्दी से बोला, चा में ऊ की मात्रा थी छोटे ऊ की, तो मैंने बोला चुप चाप। तो अभी हमने क्या किया बच्चों? अभी हमने की छोटे ऊ के शब्दों का अभ्यास, और अब हम बना रहे हैं इसके वाक्यों का अभ्यास। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, एक साधु। आप देखिए
इसमें जहाँ पे लाल रंग की मात्रा है वो कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा। और आप ध्यान दीजिएगा हम उ की मात्रा को कैसे पढ़ रहे हैं, और मेरे साथ साथ आप भी मेरे बाद आप भी से दोहराते रहेंगे, तभी मैं धीरे बोल रही हूँ। एक साधु था यमुना तट पर, उसकी कुटिया थी। साधु बहुत दयालु था, एक बुढ़िया थी, वह बहुत दुखी थी। बुढ़िया एक सुबह साधु की कुटिया पर गई। उसकी पुत्री कुमकुम बहुत बीमार थी। कुमकुम का मुख पीला पड़ चुका था। साधु एक दवा की पुड़िया लाया। दवा खाकर कुमकुम बिल्कुल ठीक हुई। बुढ़िया बहुत खुश हुई। तो हमने किसका अभ्यास किया बच्चों, हमने की छोटे ओ की मात्रा का। और फिर से अब अभ्यास करते हैं। राहुल चुनमुन का भाई था। राहुल बाजार जाकर एक बुलबुल लाया। बुलबुल मधुर व सुरीला गाना गाती थी। बुलबुल बहुत खुश थी। गुनगुन एक गुड़िया लाई। गुड़िया छोटी थी। गुनगुन बहुत खुश थी। मुकुल चुटकुला सुना रहा था। फुलवारी की घास मुलायम थी। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने छोटे ऊ की मात्रा के वाक्यों का अभ्यास किया। और इसी तरह आप भी जोर जोर से पढ़ेंगे और फिंगर रखकर पढ़ेंगे। राहुल चुनमुन का भाई था, ऐसे करके, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है बच्चों, आगे हमें कुछ काम करना है। और कौन सा काम करना है, सा खाली जगह में हमें सही शब्द। सबसे पहले लिखा है सुमन बुन। सुमन क्या बुन, जुराब या गुलाब, जुराब। सुमन जा में जुराब कैसे लिखेंगे, जा में छोटे ऊ की मात्रा रा और बा, क्या बन गया, जुराब। सुमन जुराब बुन। कुसुम सुना, क्या सुना, चुटकुला या बुलबुला, चुटकुला। चुटकुला कैसे लिखेंगे, चा, चा में छोटे ऊ की मात्रा चु, ट, का में फिर छोटे ऊ की मात्रा कु और ला, क्या बन गया, कुसुम चुटकुला सुना। अतुल खा, क्या खा, साबुन या जामुन, अतुल जामुन खा। जामुन कैसे लिखा जाएगा बच्चों, जा, जाम, मा और मा में छोटे ऊ की मात्रा मु, न, अतुल जामुन खा। अनु पर जा, कहाँ जा, कुटिया पर या लुटिया पर, अनु कुटिया, का में छोटे ऊ की मात्रा कु, टी या, अनु कुटिया पर जा। सुन और कर, क्या कर, सुन पुड़िया कर या चुटिया कर, सुन चुटिया, चा में छोटे ऊ की मात्रा टी या, सुन चुटिया कर। तो बच्चों अभी हमने खाली जगह में हमने सही शब्दों को भरा और इसके बाद चित्र पहचान कर हम उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या बने, कौन सा चित्र है, सबसे पहले चित्र है क्या बनाइए, गुलाब। तो गुलाब कैसे लिखेंगे, ग, गा में छोटे ऊ की मात्रा ला और फिर ये बा, क्या बन गया, गुलाब। और फिर क्या बनी है, ये बनी है
बुलबुल, बुलबुल कैसे लिखेंगे? पहले बा, फिर इसमें ओ छोटा ऊ, फिर ला, बुल और फिर से बा छोटा ऊ और ला, क्या बन गया? बुलबुल। और अब है कछुआ, क छ, और छ में कौन सी ऊ की मात्रा लगेगी? हम कौन सी मात्रा सीख रहे हैं? ऊ की मात्रा, तो फिर मैंने ऊ की मात्रा लगा दी और यहाँ पे लिख दिया कछुआ। और अब ये क्या बना है? साबुन। साबुन कैसे लिखेंगे? सा ब, और बा में कौन सी ऊ की मात्रा? ऊ की मात्रा, साबुन। साबुन के बाद नीचे क्या बनी है? बुढ़िया। तो बुढ़िया कैसे लिखेंगे? ब, बा में कौन सी मात्रा? उ, बु ड़ी या, बुढ़िया। और फिर ये क्या बनी है? ये तो बनी है फुटबॉल। फुट, 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 फुटबॉल, फुटबॉल लिख दिया। और ये है मुकुट। मुकुट कैसे लिखते हैं? मा, में छोटे ऊ की मात्रा, मु, का में छोटे ऊ की मात्रा, कु, मु, कु, ट, क्या बन गया? मुकुट। और आखिर में ये क्या है? ये तो बना है धनुष। और धनुष को मैंने धा, धा और ना, और ना में कौन सी ऊ की मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की, धनुष। तो क्या बन गया? धनुष। तो बच्चों अभी हमने क्या किया? हमने चित्र पहचान किया, हमने उनके सही नाम लिखे। ऐसे ही आप भी लिखेंगे, ठीक। और अब हमें क्या करना है? सुलेख। सुलेख वही यानी कि बहुत सुंदर लेख, उसको बोलते हैं सुलेख। सुलेख में आपको लिखना है मनु साधु की बात का बुरा मत मान। बोल बोल के लिखेंगे, मुरली की मधुर धुन सुन। तो बच्चों ये आपका है सुलेख। और इसके साथ हमारी आज की जो मात्रा हमने सीखी थी छोटे ऊ की मात्रा, इसका हम अभ्यास करेंगे और नई मात्रा के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।